हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे एक नोटिस दिख रहा है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा आया हुआ है, दोस्तों ये नोटिस के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस नोटिस में कुछ अपडेट किया है। जो अपडेट एमकॉम पार्ट वन पार्ट टू एमए पार्ट वन पार्ट टू एमए हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस एंड मराठी हिंदी इंग्लिश इन स्टूडेंट को लेके अपडेट किया गया है। यस दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आपको इस स्क्रीन पे जो एक एडमिशन डेट के जो प्रोसेस है TYBA TYBCOM TYBA CIT CBC पैटर्न एंड एनुअल पैटर्न एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमिस्टर वन एंड टू के, इनके जो एडमिशन डेट थे 5 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का था, लेकिन एमकॉम पार्ट वन एमकॉम पार्ट टू एमए पार्ट वन एमए पार्ट टू के लिए कोई भी डेट नहीं था। तो दोस्तों, ये स्टूडेंट को इंतजार था और ये स्टूडेंट कंफ्यूज भी थे कि जो ATKT का डेट आया था वे ये सोच ले रहे थे कि ये इनका डेट है, तो ये उस समय एडमिशन करने जा रहे थे जिस समय उसका डेट लैप्स बता रहा था। तो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट नोटिस दे दिया है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये अपडेट नोटिस है दोस्तों TYBA TYBCOM का भी। दोस्तों, 15 सितंबर तक का टाइम है, आप एडमिशन ले सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए भी। साथ ही साथ जो एमए पार्ट वन एमए पार्ट टू एमकॉम पार्ट वन एमकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट है जिनका डेट आया ही नहीं था, उसमें नोटिस में कहा गया था कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक का आ जाएगा, तो दोस्तों डेट आ चुका है, 27 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का टाइम है दोस्तों। यस दोस्तों, 27 अगस्त मतलब आज के दिन भी फॉर्म फिलअप करोगे तो नहीं होगा, कल के बाद मतलब कल के दिन के बाद आप फॉर्म फिलअप करना, आपका एडमिशन होना चालू हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन यह रहेगा दोस्तों आप लोगों को कि कल के दिन भी आप एडमिशन मत करवाना, कल के दिन भी फॉर्म फिलअप मत करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वन एंड एट ए टाइम इस वेबसाइट पे आएंगे और एडमिशन प्रोसेस करेंगे, जिसके वजह से सर्वर क्रैश होने का चांस होगा। तो मेरा कहना है कि कुछ लोग 28 तारीख को करे, कुछ 29 को करे, कोई 30 को करे, कोई 1 सितंबर को, कोई 2 सितंबर, मतलब ऐसे करोगे तो मतलब कुछ क्वांटिटी में अगर स्टूडेंट आके अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्वर भी क्रैक होने का मतलब क्रैश होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जितने लोगों को भी फॉर्म फिलअप करना है एमकॉम पार्ट वन पार्ट टू, ये सभी स्टूडेंट 30 अगस्त के बाद ही फॉर्म फिलअप करें तो बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि नोटिस आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। और दोस्तों, कुछ टाइम में इस नोटिस के रिलेटेड आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा सूरज पटेल एजुकेशन में, तो आप वहाँ भी अपडेट ले सकते हो। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।